मैं खाटू श्याम मंदिर बोल रहा हूं। मेरा भी क्या ही भाग्य है, मुझमें वो हस्ती विराजमान है जिनको कलयुग में पूजे जाने का आदेश कहो या आशीर्वाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। मैं अपने बारे में जानकारी नंबर 7 और 8 पर बताऊंगा, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरे खाटू श्याम जी के यात्रा पर निकले, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस स्थान, किस शहर, दर्शन या नगर की वीडियो देखनी है। जिस विषय के बारे में ज्यादा कमेंट होंगे उस पर अगला वीडियो हम लाएंगे। समय था सन 1027, तब राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। उस समय की बात है जहां पर खाटू श्याम जी का शीश भूमि में विद्यमान था। वहां पर एक गाय उस स्थान पर रोज आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा दिया करती थी। ऐसा कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। यह पूरी बात मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं खाटू श्याम मंदिर सबसे पहले खाटू बाबा के चमत्कारी कुंड के बारे में बताऊंगा। मैं महाभारत काल की खाटू श्याम की वो कथा भी सुनाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे इस मंदिर में आने के लिए कैसे आए और कहां रुके। मैं आपको मेरे पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन भी करवाऊंगा। मैं आपको 1000 साल पहले के मंदिर के बारे में भी बताऊंगा और 100 साल पहले के मंदिर के बारे में भी जानकारी दूंगा। जब भी मेरे बाबा का नाम कोई लेता है तो मैं खाटू श्याम मंदिर गदगद हो जाता हूं। इसलिए आप दर्शकों से विनती है, एक बार हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का कमेंट अवश्य करें। सबसे पहले मैं आज से तकरीबन 100 साल पहले के मेरे इस मंदिर परिसर का वो दृश्य आपको दिखाता हूं, जो कि एक फोटो है जो उस समय की मेरी स्थिति को बयान करता है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वह 100 साल पहले मैं था, लेकिन मेरे श्याम की महिमा से आज मैं इतना विशाल मंदिर हूं जो आपके सामने खड़ा हूं कि देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगे, परंतु मंदिर परिसर खत्म नहीं होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं महाभारत काल के उस दृश्य की ओर, जहां एक तरफ पांडव पुत्रों की सेना श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद के साथ युद्ध में खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर कौरवों की सेना बड़े बड़े महावीरों के साथ दूसरी ओर युद्ध की प्रतीक्षा में थी। इसी समय इस युद्ध की भूमि पर 3 बाणधारी वीर बर्बरी का आगमन होता है। मित्रों, वो 3 बाण ऐसे थे कि पूरी पृथ्वी की सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। उसी समय श्री कृष्ण भगवान एक ऋषि का वेश धारण करके वीर बर्बरीक से मिलने जा पहुंचे। उन्होंने वीर बर्बरीक, जो कि एक महान योद्धा थे, उनसे पूछा, हे वीर योद्धा, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? तो वीर बर्बरीक का उत्तर था, मैं अपनी माता श्री को वचन देकर आया हूं कि जो भी सेना कमजोर होगी, जो हारेगी, उसी सेना की ओर से युद्ध करूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर से प्रश्न किया कि अगर आप हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करोगे तो फिर वह सेना जीतने लग जाएगी और दूसरी सेना हारने लगेगी, तब क्या करोगे? इस बात का जवाब सोचकर 3 बाणधारी बर्बरीक ने कहा कि फिर मैं वापस हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करने लग जाऊंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो कि ऋषि ब्राह्मण के वेश में थे, गहन चिंता में डूब गए और वीर बर्बरीक को वचन में लेकर उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरीक ने अपना वचन निभाया, स्वयं ही अपनी तलवार से शीश को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान के सामने इस महाभारत युद्ध के भीषण संग्राम को देखने की अपनी इच्छा भी जताई। कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से वीर बर्बरीक ने पूरी महाभारत का युद्ध देखा। हमको लगता है युद्ध अर्जुन और भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा लड़ रहे थे, लेकिन सत्य तो वीर बर्बरीक ने बताया था, जो वीडियो में आगे बताऊंगा। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वीर बर्बरीक के शीश ने पूरी महाभारत देखी। इसी के साथ यह आशीर्वाद भी दिया कि बर्बरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, इसलिए वीर बर्बरीक को मेरे इस विशाल प्रांगण में श्याम नाम से पूजा जाता है। जिस स्थान पर वीर बर्बरीक जी का शीश भूमि में समाया था, वो स्थान आज का राजस्थान जिले का खाटू नामक गांव था। अब मैं आपको समय पर लेकर चलता हूं जब इस शीश की खोज हुई थी। समय था सन 1027, तब राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। आज की तरह सरकारें नहीं बदला करती थी। उस समय की बात है जहां पर खाटू श्याम जी का शीश भूमि में विद्यमान था।
वहां पर एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक ऋषि के सानिध्य में उस जगह की खुदाई की गई तो अंदर वो विशाल शीश पाया गया। उस शीश को गांव वालों ने कुछ दिनों के लिए उस ऋषि को सौंप दिया। उसी समय राजा से विचार विमर्श करके एक छोटा सा मंदिर बना गए। उस शीश को उस स्थान पर स्थापित करके पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। वहीं पर साक्षात में विशाल मंदिर आपके सामने खड़ा हूं। खाटू श्याम मंदिर की यदि वास्तुकला की बात करें तो मैं सफेद संगमरमर से निर्मित हूं। मेरी बनावट वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। कई भक्त मेरी संरचना की सुंदरता को निहारने आते हैं। मेरा प्रांगण पौराणिक कलाकृति को चित्रित करता है, जबकि मेरा प्रवेश द्वार और निकास द्वार संगमरमर के पत्थरों से बने हैं। जिनमें संगमरमर के ब्रैकेट हैं उनमें सजावटी पुष्प डिजाइन किए गए हैं। गर्भगृह का मुख्य द्वार एक सुंदर चांदी की चादर से ढका हुआ है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाता है। मेरे गर्भगृह में विराजमान खाटू श्याम जी की मन मोहने वाली प्रतिमा विद्यमान है, जो मन को मोहित करने वाली है। मेरे अंदर प्रवेश करते ही 5 लोहे की कतारें बनाई गई हैं, जिससे अलग अलग लाइन से दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु। फिर थोड़ा आगे चलते ही ऊपर टीवी लगी हुई है, जिससे श्रद्धालु लाइव दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मेरे प्रांगण में, भक्तों के लिए छाया बनाई हुई है, और उसी प्रांगण से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। मेरे पास एक पवित्र तालाब है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें साल भर पवित्र जल भरा रहता है। श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का विनाश होता है और पुण्य की प्राप्ति, जबकि श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से खाटू श्याम जी का सिर प्राप्त हुआ था। यह कुंड गहरी और अंडाकार आकृति का है। इस कुंड को जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में बाईं ओर एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर यह प्राचीन श्याम कुंड है। इस कुंड को महिला कुंड का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें केवल महिला ही स्नान करती हैं। खाटू श्याम जी का मेला हर वर्ष फागुन मास में लगता है। इस लक्खी मेले में देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी का जन्मदिन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी होती है। खाटू श्याम जी के मंदिर पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग भोग लगाते हैं और गुलाबों के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं। मेरे प्रांगण में मौजूद खाटू श्याम जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं, तो मैं बता दूं, मैं खाटू श्याम जी का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद हूं। यहां पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से मुझ मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप मंदिर के लिए टैक्सी या जीप ले सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 95 किलोमीटर है। राजस्थान में ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए खाटू श्याम जी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का बहुत ही सुहावना समय है। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने मेरे इस मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं तो इस यात्रा के दौरान आप यहां आसपास की जगहों पर घूम भी सकते हैं, जैसे कि श्री श्याम कुंड, श्री श्याम वाटिका, श्री सालासर बालाजी मंदिर, गोल्डन वाटर पार्क, जीन माता मंदिर, वीर हनुमान मंदिर, सामोद और गणेश्वर धाम आदि। खाटू श्याम जी की मंगला आरती में अवश्य शामिल हों। मंगला आरती में पंचमेवा का प्रसाद वितरित किया जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर बड़ा ही विशाल है। श्रद्धालुओं के द्वारा खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाया जाता है। निशान को बाबा श्याम द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, मैं खाटू श्याम मंदिर कभी कभी मेरे मंदिर के बाहर मौजूद बाजार की तरफ अपनी नजर घुमाकर देखता हूं तो प्रसन्न हो जाता हूं। जिस प्रकार साफ सफाई और श्रद्धालुओं के साथ उनका प्यार भरा स्वभाव देखकर मुझे अति प्रसन्नता मिलती है। मैंने अपने यहाँ के व्यापारियों, फूल मालाएं प्रसाद बेचने वालों के ग्राहकों के साथ
विशेष प्रेम किसी भी स्थान पर मैंने नहीं सुना, ऐसा यहां मिलता है। वह अतुलनीय है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया को सिर्फ इतना ही पता है कि वासुदेव को उन्होंने शीश काटकर भेंट कर दिया था, लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया था कि पूरा कलयुग तेरे नाम, कि कलयुग में कोई भी तेरे द्वार आएगा वो खाली झोली कभी नहीं ले जाएगा। वीर बरबरी को सिर्फ इतना सा वरदान मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा था, बरबरीक तेरे दरबार से कोई खाली हाथ तो नहीं जाएगा, परंतु आज मैं एक ऐसा अधिकार तुमको दे रहा हूं जो अधिकार आज से पहले किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा, बरबरीक दुनिया कहती कि जिसकी किस्मत मैंने लिख दी उसकी कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन दुनिया में मैंने जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में सुख दुख कुछ भी लिखा हो, जो तेरे दरबार में आएगा, चाहे मैंने दुख लिखा हो, उसकी किस्मत, उसका भाग्य तेरे दरबार में आके माथा टिकेगा, उसका सब बेड़ा पार होगा। इसलिए कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये थी जानकारी नंबर 7। अब मैं आपको बताता हूं जानकारी नंबर 8। महाभारत युद्ध के बाद जब सभी पांडव भाई आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अर्जुन बड़े ही ताव से कह रहे थे, मैंने कर्ण को समाप्त किया, मैंने इसको मारा, मैंने युद्ध जिताया। उसी प्रकार भीम अपनी प्रशंसा कर रहे थे, अहंकार में डूबे हुए थे। ऐसे में पांडवों में बहस हो गई किसने सबसे ज्यादा युद्ध में योगदान दिया। इतने में श्री कृष्ण भगवान इनके बीच आ गए और पांचों पांडव उनसे पूछने लगे कि वासुदेव आप ही बताओ, हम में से किसका योगदान और युद्ध कौशल सबसे ज्यादा है। तो वासुदेव का उत्तर था, इसका निर्णय करने के लिए तो हम सबको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने ये युद्ध पूरा देखा हो। पर उसी समय वे सभी को लेकर वीर बरबरीक यानी कि खाटू श्याम जी के जीवित शीश के पास पहुंचे और वही सवाल दोहराया कि हे वीर बरबरीक, ये आप बताइए कि पांडव भाइयों में सबसे ज्यादा किसने युद्ध में विरोधी सेना का संहार किया। यह सुनकर वीर बरबरीक का सर जोर जोर से हंसने लगा। अपनी हंसी और खिल्ली उड़ते देख पांचों पांडव पुत्र को गुस्सा आने लगा और भीम ने पूछा, हे पौत्र, क्या आप अपने बड़ों की हंसी उड़ा रहे हो। उस समय वीर बरबरीक अपनी हंसी को रोकते हुए बोले, मुझे क्षमा करना दादाश्री, मैंने तो युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण के चक्र को घूम घूम कर विरोधी सेनाओं का संहार करते हुए देखा। इसी के साथ माँ भवानी खड़क के साथ लहूपान करते हुए दिखी। मैंने तो दोनों ओर से वासुदेव को ही लड़ते हुए देखा और जीतते हुए और हारते हुए दोनों तरफ से देखा। यह सुनकर पांडव का घमंड चूर चूर हो गया। तब इसे हिंदू समाज में एक कहावत चली है, चाहे अच्छा हो या बुरा, सब भगवान भरोसे छोड़कर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। चलिए हम खाटू श्याम की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। विराम देते हुए कहेंगे, जय खाटू श्याम।